हिंदुस्तान कोरोना वायरस से मुतासिरा 55 मुल्कों में तिजारती बुनियादों पर इंस्तेदादे मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्वीन फराहम कर रहा है, सरकारी जराए ने यह बात बताई। अमरीका मॉरिशस के बशमूल कई मुल्कों को गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये दवा मिल चुकी है, जबकि कई दूसरे ममालिक को अवाखिर हफ्ता तक ये दवा फराहम हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरोक्वीन को अमरीका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 का इम्कानी इलाज करार दिया और न्यूयॉर्क में 1500 से ज्यादा कोरोना मरीजों को यह दवा दी गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों में इस दवा की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान ने इसकी बरामद पर इम्तना बर्खास्त करने का फैसला किया। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और म्यांमार को यह दवा फराहम कर रहा है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि आया पाकिस्तान ने इस ड्रग के लिए दरखास्त की है या नहीं। हिंदुस्तान कई दूसरे ममालिक बशमूल जाम्बिया, युगांडा, नाइजीरिया, माली, कांगो, मिस्र, कजाकिस्तान, शाम, यूक्रेन, चाड, जिम्बाब्वे, फ्रांस, उर्दुन, कीनिया, नेदरलैंड, नाइजीरिया और अम्मान को यह दवा सरबराह कर रहा है। इसके अलावा फिलीपाइन, रूस, जुनूबी कोरिया, तंजानिया, यूएई, उज़्बेकिस्तान, कोलंबिया, अल्जीरिया और बर्तानिया को भी दवा रवाना की जा रही है। ज्यादा तादाद में टेस्ट से ही कोरोना से मुकाबला मुमकिन, राहुल गांधी। लॉकडाउन मसले का हल नहीं, अवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाए, कांग्रेस कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने अवाम को कोविड-19 का मुत्तहिदा मुकाबला करने की अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का कोई हल नहीं है, लेकिन जा रहा टेस्ट करवाना ही एक ऐसा हथियार है जिससे इसका मुकाबला किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हर कोई खौफ के बजाय एतमाद के साथ वायरस का मुकाबला करता है तो हिंदुस्तान बेहतर मुकाम बन सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जारी लॉकडाउन रुकावट का एक बटन है, ना कि वायरस को शिकस्त देने का हल। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि इस मर्ज की जांच ही इसे खत्म करने का बेहतरीन हथियार है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है, लेकिन इसको शिकस्त देने के लिए तिब्बी सहूलत में इजाफा और टेस्टिंग के जामे इंतजाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत को इस वबा से निमटने की तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मुद्दत में इस मर्ज को रोकने के ठोस और वसी पैमाने पर कोशिशें नहीं की गई। इसे हटाने के बाद लोगों को फिर से घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह इसके माशी नुकसान को रोकने के लिए भी हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। गांधी ने कहा कि बड़ी तादाद में टेस्टिंग नहीं होगी तो कोरोना के चैलेंज से निमटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन के बहरान से बचने के लिए लोगों को खाना देना, राशन देना और इसके लिए गोदामों को खोल देना चाहिए। गांधी ने कहा कि कोरोना किसी जात या मजहब को देखकर नहीं आता, ये वबा है और इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है। वायरस से 53 ममालिक में 3,336 हिंदुस्तानी मुतासिर, 53 हिंदुस्तानी फौत। शहरियों को वापस लाने का हनूस कोई मंसूबा तय नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 3,000 से जायद हिंदुस्तानी शहरी कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर हुए हैं। सरकारी जराए ने बताया कि कोरोना वायरस से दुनिया के 53 ममालिक में कुल 3,336 हिंदुस्तानी शहरी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 53 हिंदुस्तानी फौज भी हो गए। दुनिया भर में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को सब्र और तहम्मुल से रहना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वसी तर फैसले के तहत अपने शहरियों को वापस नहीं लाएगा। कोविड-19 आलमी वबा के सबब मुल्क गिर लॉकडाउन के बाद से वजारत खारिजा ने वजारत दाखिला, शहरी हवाबाजी की वजारत और रियासती सरकारों, खासकर रियासती पुलिस फोर्स की मदद से 48 ममालिक के
तकरीबन 35,000 लोगों को उनके वतन भेजा है। उन्होंने ये भी बताया कि 53 ममालिक में 3,336 हिंदुस्तानी शहरियों को कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया है। इसके अलावा इस वबा की जद में आकर तकरीबन 25 हिंदुस्तानियों की मौत भी हो गई है। जहां तक उनकी वतन वापसी का सवाल है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगरचे हिंदुस्तानी मिशन इस बारे में मुतालिका ममालिक की हुकूमतों के राबते में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि बरतानिया में कुछ लोग खलील मुद्दती वीजा पर सरकारी कामों से गए थे, लेकिन वो वहाँ फंस गए हैं, लेकिन उनकी वापसी के मंसूबे के बारे में अभी कुछ कहने के हालात नहीं है। पाकिस्तान के 180 शहरियों को उनके ममालिक वापस भेजने के बारे में पूछे जाने पर जराए ने कहा कि उनमें से कुछ को भेजा जा चुका है और बाकी को भेजने का अमल जारी है। उत्तर प्रदेश की जेलों के कैदियों ने 2.3 लाख रुपए का अतिया दिया। उत्तर प्रदेश की एक जेल के 500 कैदियों ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 2.3 लाख रुपए का अतिया दिया। इन कैदियों का ताल्लुक मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद की जेलों से है। इन कैदियों ने जेल में मुख्तलिफ काम जैसे कारपेंटरी, टेलरिंग, कपड़े बुनने से हासिल शुदा रकम को जमा करते हुए चंदा दिया है। डायरेक्टर जनरल आनंद कुमार ने बताया कि कैदियों के इस इकदाम से कोरोना वायरस के मुकाबले में हुकूमत की मदद का इजहार होता है। अपनी जेल से कमाई के जरिए ये कैदी जेल की कैंटीन से अपने लिए कुछ अशिया खरीद लेते हैं। आम इन कैदियों ने इस रकम को अतिये के तौर पर हुकूमत को दिया। गाजियाबाद जेल के कैदियों ने 84,600 रुपए, मेरठ जेल से 81,700 रुपए, मुजफ्फरनगर जेल से 28,000 रुपए जमा किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जेलों के कैदी चिल्लर मार्केट में फरोख्त के लिए आला मियारी सस्ते मास्क भी तैयार कर रहे हैं। गल्फ राउंड अप पेशकश केन वासिफ, नुमाइंदा रियाद सऊदी अरब। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 518 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। ममलिकत में मुतासरीन की तादाद 6,380 तक पहुंच गई है, जबकि इस दौरान 4 नई अमवात हुई हैं और 59 अफराद सेहत याब हुए हैं। सऊदी अरब में नामुनासिब रिहाइश मराकज में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों को तिब्बी हिदायत के मुताबिक माशरती फासले की शर्त पूरी करने वाले रिहायशी मराकज में मुंतकल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने 3,445 सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स हासिल की हैं। वजारत सेहत का कहना है कि तारकीन के हलकों में वायरस की वबा फैलने का एक सबब रिहायशों में हिफ्जान सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाता। मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने इतला दी है कि इमसाल माह रमजान में हज़्ब रिवायत इफ्तार के दस्तरखान लगाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। ये एकदम एहतियाती तदाबीर के तहत उठाया गया है। बहरीन वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 988 हो गई है। 40 मरीज शिफायाब हुए, जिनसे सेहत याब होने वालों की तादाद 70 हो गई। सल्तनत अम्मान में कोरोना से मुतासर 109 अफराद सामने आए हैं, जिससे मुल्क की जुमला तादाद बढ़कर 1,019 हो गई जो कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। वजारत सेहत के मुताबिक 109 नए मुतासरीन में 12 अमानी शहरी हैं और बाकी गैर मुल्की। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद हलाक हुए, जबकि 45 शिफायाब हुए हैं। नाज़रीन, वसीला उर्दू टीवी पर खबरें खत्म हुई। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में समाअत फरमाए जनाब मसूद अख्तर नकवी की गजल। गजल के चंद अशआर पेश खिदमत हैं, मुलाहिज़ा फरमाए। उनको क्यों साथ निभाते हुए डर लगता है, उनको क्यों साथ निभाते हुए डर लगता है, और हमें छोड़ के जाते हुए डर लगता है, और हमें छोड़ के
जाते हुए डर लगता है, मेरे होठों से कोई सच ना निकल जाए कहीं, मेरे होठों से कोई सच ना निकल जाए कहीं, उनके दरबार में जाते हुए डर लगता है, उनके दरबार में जाते हुए डर लगता है, अपने ही देश में गद्दार न कहलाऊं कहीं, अपने ही देश में गद्दार न कहलाऊं कहीं, कोई आवाज़ उठाते हुए डर लगता है, कोई आवाज़ उठाते हुए डर लगता है, तुमने नफरत की सियासत का जो आगाज़ किया उसका अंजाम बताते हुए डर लगता है, उसका अंजाम बताते हुए डर लगता है, जुल्म सहते रहे खामोश रहे कुछ ना कहा, उससे नजरें भी मिलाते हुए डर लगता है, उससे नजरें भी मिलाते हुए डर लगता है, फिर नया जुल्म कोई खल्क खुदा पर मसूद, सुबह अखबार उठाते हुए डर लगता है, सुबह अखबार उठाते हुए डर लगता है।